अंबाला कैंट में पिछले 15 सालों से, इवन 6 बार के विधायक हैं अनिल विज। तो अब आपको क्या लग रहा है कि क्या कमियां रह गई हैं अंबाला कैंट में? अगर चित्रा आती हैं तो उनको वो सही करेंगी, उनकी सारी चीज़ों को हटाएंगी और देश की अंबाला की जनता के साथ आगे आके खड़ी होंगी? देखिए, मुद्दे वही हैं जो हम उठाते रहे। अनिल विज जी सबसे खतरनाक सोटू से नेता माने गए हैं भाजपा के और प्रदेश के, और आई थिंक स्टेट लेवल पे भी बहुत कम लोगों ने उन्हें डायरेक्टली चैलेंज करा होगा या सवाल करा होगा, गॉड हेल्प कभी जवाब दिया होगा, बट हम अंबाला में करते रहे हैं इस बात को। हमारी लड़ाई रही सड़कों को लेकर, हमने खड्डा यात्रा निकाली, बहुत बौखला गए थे। हमारे सवाल रहे हैं कि 1 रुपये का प्रोजेक्ट 3 रुपये में भी ख़त्म नहीं हो रहा, जो चीज़ 2 साल में बननी थी 8 साल में नहीं बन रही, सड़कें बन रही हैं टूट रही हैं क्यों, 500 करोड़ का सीवरेज है 8-8 साल पहले लोग बंद कर गए, जोड़ा क्यों नहीं गया आज तक, डेकोरेशन ज़्यादा हुई है डेवलपमेंट कम हुई है, बाजार के अंदर आप फैंसी लाइट्स लगा रहे हो पर बिजनेस पिट रहा है, आज इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे निश एशिया की इंडस्ट्री थी उसके लिए आपने क्या करा, व्हाट सपोर्ट हैव यू गिवन, इनके कितने ही प्रोजेक्ट्स हैं जो डेमोलिशन की कगार में है क्योंकि दे डू नॉट पास द स्टैंडर्ड्स कि वो स्ट्रक्चरली साउंड नहीं है या जो भी है। तो इन सब इश्यूज़ को लेके अंबाला फ्री होल्ड नहीं हुआ है 15 साल, इनकी तो ट्रिपल क्या क्वाड्रुपल इंजन सरकार रही है, पीएम इनका, सीएम इनका, ये खुद अपने यहाँ पे रहे हैं, हर लेवल पे मिनिस्ट्री इनकी, अंबाला के अंदर एक नया प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल कमर्शियल या किस तरह का नहीं आया है। तो जो ये प्रोजेक्ट्स कर गए उनको तोड़ना का मुद्दा नहीं है, एक तो उनकी समीक्षा होनी पड़ेगी, आई होप वो चलें। ऑपोजिशन में रहते हुए मैंने प्रार्थना करी कि हे भगवान ये 500 करोड़ की सीवरेज चल जाए, अंबाला दोबारा उधड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता, बट वॉट एवर नीड्स टू बी डन, एक प्लान्ड डेवलपमेंट होगी, सबको साथ लेके डेवलपमेंट करेंगे, एंड आई थिंक वी नीड द बेसिक गार्बेज ड्रेनेज सीवरेज। हम प्रदेश का सबसे गंदा और अव्यवस्थित जो है ना बिखरा हुआ शहर है, और उसके ऊपर से कोई पॉलिसी चेंज हो, लोगों को अपने मालिकाना हक मिले, इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले, ताकि हमारे यहाँ नौकरी और मनी जनरेशन हो, तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू वर्क ऑन। लेकिन आज़ाद होते हुए मतलब आप इंडिपेंडेंट फाइट कर रही हैं, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि इस तरह की जो आप सोच रख रही हैं वो कितना फुलफिल कर पाएंगी? क्योंकि आज़ाद कैंडिडेट के साथ तो बहुत सारी मुश्किलें आएंगी अगर सरकार नहीं होती है अपनी। तो देखिए, सरकार तो अनिल विज जी की भी नहीं होगी, और जो सरकार होगी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि उसके अंदर मेरी हिस्सेदारी और इलाके की हिस्सेदारी मैं सुनिश्चित कर सकती हूँ। So अच्छा, आप मान रही हैं कि आने वाली सरकार जो होगी वो आपको पूरा सपोर्ट करने जा रही है, तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार होगी? जो भी आने वाली सरकार होगी उसे मेरी सपोर्ट की जरूरत होगी।